दोस्तों आप जानवरों को देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों आपने अक्सर तेंदुओं को देखा ही होगा। दोस्तों काफी तेज रफ्तार के साथ दौड़ सकता है और अपने हिसाब से अपने पंजों से जानवरों पर हमला बोलता है और उन्हें दोस्तों फाड़ देता है। ज्यादातर जो तेंदुए होते हैं हल्के रंग के होते हैं और उनके फर जो होता है वह गहरे रंग के धब्बे के आकार का होता है। उनके फर के ऊपर धब्बे होते हैं जिन्हें रोसेट्स कहा जाता है क्योंकि इनका आकार गुलाब के समान होता है। काले तेंदुए भी होते हैं जिनके धब्बे देखना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी काली चमड़ी होती है, इसलिए उनके बहुत ही हल्के फर पर उनका बहुत ही गहरा निशान सा दिखाई देता है। तेंदुए दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। दोस्तों यदि आप जानवरों की जानकारी रखते हैं तो दोस्तों आपको अक्सर पता होगा कि अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका, मध्य एशिया, भारत और चीन में ज्यादातर यह देखे जाते हैं। तेंदुए तेज बिल्ली के समान होती हैं और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ये दौड़ सकते हैं। वे बहुत लचीले होते हैं। ये हवा में 6 मीटर आगे की छलांग लगा सकते हैं। जो बड़े जानवर होते हैं उनकी पैर तक की लंबाई के बराबर हो सकते हैं। तेंदुए ज्यादा दोस्तों अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा समय या अपना अकेले बिताते हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में दोस्तों दूसरा तेंदुआ जा नहीं सकता है क्योंकि उनमें लड़ाई हो जाती है। और वे पेड़ों पर खरोंच कर मूत्र के गंध के निशान और मल छोड़ते हैं ताकि दूसरे तेंदुओं को दूर रहने की चेतावनी दी जा सके, क्योंकि जो दूसरा तेंदुआ उसके इलाके में आए उसकी जो गंध है उसे सूंघकर वहां से चला जाए। लेकिन दोस्तों नर और मादा क्षेत्र के पार करते हैं लेकिन केवल जो या उनका संभोग होता है उसी समय पर या मिलने आती हैं। इन्हीं बड़ी बिल्लियों का खान पान दोस्तों अलग अलग होता है और वे अलग अलग तरह के भोजन का दोस्तों मजा लेते हैं, लुफ्त उठाते हैं। वे कीड़े, मछली और हिरन, बंदर और थोड़े दोस्तों जो असल में लगभग कोई भी शिकार जो उपलब्ध हो जाता है वह उन्हें खा लाते हैं। जैसे कोई भी जो जानवर है वह जिसका शिकार कर सकते हैं वह उसे मार सकते हैं। तेंदुए दोस्तों पर्वतारोही होते हैं जो कि पेड़ों पर अक्सर तेज रफ्तार के साथ चढ़ सकते हैं और वह पेड़ों पर रहकर आराम करते हैं और अपने भारी शिकार को पेड़ों पर ले जाकर खाते हैं, क्योंकि जो लकड़बग्घे होते हैं वह उनका जो शिकार है उसे चुरा कर खाने के लिए जाने जाते हैं। तेंदुए रात में दोस्तों सक्रिय होते हैं। जब वे भोजन की तलाश में निकलते हैं तो वह अधिकांश रूप से दिन में आराम करते हुए दिखाई देती हैं, पेड़ों पर छिपकर या गुफाओं में छिपकर बिताते हैं। जब वो भोजन की तलाश करती हैं दोस्तों तो वह अक्सर रात में और कभी कभी दोस्तों दिन में भी वह दूसरे जानवरों पर शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। जब तेंदुआ दोस्तों भोजन को देखता है अपने पैरों को मोड़कर आगे बढ़ता है ताकि उसे देखा ना जा सके। धीरे धीरे वह शिकारी की तरफ बढ़ता है चुपचाप, सावधानी पूर्वक, ताकि जो शिकार होता है वह भाग ना पाए। जब तक कि वह 5 से 10 मीटर की दूरी पर ना आ जाए फिर वह झपट्टा मारता है। तेंदुआ आगे बढ़ता है और अपने शिकार को गले या गर्दन पर काटता है। छोटे शिकार जो होते हैं जैसे कि छोटे पक्षी या छुए, बिल्ली के पंजे से घातक वार से वह दोस्तों वहीं मर जाते हैं। मादा तेंदुआ साल के किसी भी समय बच्चों को जन्म दे सकती है। जब वे ऐसा करती है तो वे आमतौर पर 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। जो मादा तेंदुआ होती है वह अपने बच्चों को साथ तब तक रखती है जब तक कि वे लगभग 2 साल के नहीं हो जाते, जब वे शिकार करने को खुद की देखभाल करने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते। तेंदुए एक दूसरे से लगभग दोस्तों अलग अलग आवाज़ों के जरिए संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई नर तेंदुओं को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है तो वह दोस्तों करकश और करकर खांसी जैसी आवाज निकालता है। वे गुस्सा होने पर भी गुर्राते दिखाई हुए देते हैं।
जो घरेलू बिल्लियां होती हैं उन्हीं की तरह वह दोस्तों खुश और आराम से होने पर गुर्राते हैं या उन्हें दोस्तों ऐसा मान लें कि वह प्यार करती हैं। तो दोस्तों यह तेंदुए की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अपने पैरों को मोड़कर आगे बढ़ता है ताकि उसे देखा ना जा सके। धीरे धीरे वह शिकारी की तरफ बढ़ता है चुपचाप सावधानी पूर्वक, ताकि जो शिकार होता है वह भाग ना पाए। जब तक कि वह 5 से 10 मीटर की दूरी पर ना आ जाए फिर वह झपट्टा मारता है। तेंदुआ आगे बढ़ता है और अपने शिकार को गले या गर्दन पर काटता है। छोटे शिकार जो होते हैं जैसे कि छोटे पक्षी या छुए, बिल्ली के पंजे से घातक वार से वह दोस्तों वहीं मर जाते हैं। मादा तेंदुआ साल के किसी भी